तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हमने ऑलरेडी सब पार्ट डिस्कस कर लिए, मेन जो साइकिल्स थी वो हमने डिस्कस कर ली। ये लास्ट वाला थोड़ा इजी रहेगा कंपेयर टू हमने जो देखा क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो सब थोड़ा टफ था। ठीक है, समझने में उसको हमको बहुत सारा पहले का देखना पड़ रहा था, आगे क्या होगा हर हर स्टेप में हमको बहुत डीप में समझना पड़ रहा था। ये आपको अगर आपने वो सब समझ लिया तो ये बहुत इजी लगेगा। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो पहले आप वो देख लेना। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम देखेंगे एक ग्लूकोज से हमको कितने एनर्जी मिल रहा है, यानी कितने ATP मिल रहा है। ठीक है, कितना गेन है, एरोबिक का भी देखना पड़ेगा, और हमने क्या देखा था, और एनारोबिक उसमें क्या हो रहा था, फर्मेंटेशन, सबको याद है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ ATP फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज। ठीक है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी ATP हमको गेन है, क्योंकि हमने सिक्वेंस में सारी साइकिल्स देखी है। ठीक है, सारे प्रोसेस देखे हैं। बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली अ थियोरिटिकल एक्सरसाइज। अब जैसा जैसा हमने पढ़ा है, क्या वैसा वैसा हम बॉडी में देख पाएंगे? नहीं, ये सब तो हम सिर्फ थियोरीज में ऐसे सोच सकते हैं, हाँ यहाँ पे ऐसा स्टेप हुआ होगा, यहाँ पे ऐसा स्टेप हुआ होगा। क्या आप देख पाओगे अपनी बॉडी में ये सारी के क्रैब साइकिल कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, ऐसा सब नहीं। ठीक है, दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली ऑन सर्टन अजम्पशन। अब हम कैसे अजम्पशन लगाएंगे कि ये ATP इतने होंगे, देखेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे हम सिक्वेंस, वहाँ से हम देखेंगे कि हम कैसे अजम्पशंस कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज सिक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विथ वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट एंड विथ ग्लाइकोलिसिस TCA साइकिल एंड ETS पाथवे फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर। अगर हम लाइन से जावे ग्लाइकोलिसिस से, फिर हम साइकिल पे आए, फिर ETS है, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट में हमको नेट गेन ऑफ ATP कितना हुआ। ठीक है, पर ये सब थियोरेटिकल पॉसिबल है ओनली। ठीक है, द NADH सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिसिस इज ट्रांसफर्ड इन टू द माइटोक्रॉन्ड्रिया एंड अंडर गोज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन। ये भी हमने डिटेल में देख लिया है। ठीक है, NADH में से हमको क्या चाहिए होगा, ATP चाहिए होगा, कैसे बनेगा उसका, ऑक्सीडेशन होगा, वो भी हमने डिटेल में देख लिया है। क्लियर, नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे आर यूटिलाइज टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। अब जैसे हमने देखा, ठीक है, लाइन लाइन से ही लास्ट में क्या बन रहा है, ATP बन रहा है। क्या इसका मतलब ऐसा है कि वो ग्लूकोज सिर्फ डायरेक्ट यही काम करेगा, कहीं दूसरी उसकी ज़रूरत पड़ गई ग्लूकोज की? फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं, जितना हमने फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हुआ उतना ही एनर्जी मिलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्या पता ग्लूकोज को कुछ और काम करना पड़ जाए बॉडी में, सिर्फ एक फंक्शन है क्या ग्लूकोज का? नहीं। ठीक है, क्लियर, समझ रहे हो? तो ये अजम्पशन किया हमने, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर कहीं और भी काम हो सकता है ग्लूकोज का। क्लियर, इसलिए हम इसको थियोरेटिकल बोल रहे हैं। समझे आप हम इसको थियोरेटिकल क्यों बोल रहे हैं? ओके, ओनली ग्लूकोज इज बीन रिस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज। अब हमने पूरे चैप्टर में तो सिर्फ ग्लूकोज के लिए पढ़ा, हमने प्रोटीन्स के लिए नहीं पढ़ा, फैट्स के लिए नहीं पढ़ा, वो भी तो पढ़ना है ना हमको, वो भी तो क्या है, अल्टरनेटिव सब्सट्रेट, हमने फर्स्ट फर्स्ट पेज में पढ़ा था वो तो। ठीक है, अब हम उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, बट दिस काइंड ऑफ अजम्पशन आर नॉट रियली वैलिड इन अ लिविंग सिस्टम। ठीक है, हमको पता है कि ये जो अजम्पशन हमने लगा दिए ना, वो लिविंग सिस्टम में वैलिड नहीं होंगे। क्यों? All pathways work simultaneously and do not take place one after another. जैसे हमने लाइन में पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस, ऐसे बॉडी में नहीं होता, ये सारी प्रोसेस एक साथ होती है। ठीक है, सबस्ट्रेट एंटर द पाथवे एंड आर विथड्रॉन फ्रॉम इट एज वेन नेसेसरी। अब जो सबस्ट्रेट एंटर हो रहा है रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, ज़रूरी नहीं है वो कंटिन्यू प्रोसेस करता ही जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा वो बीच से ही निकल जाएगा। ठीक है,
जब उसको कहीं और यूज़ हो रहा होगा या और कुछ बनाना होगा उसको, ठीक है, वो बीच से भी निकल जा सकता है। तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो डायरेक्ट लाइन से पढ़ लिया सब कुछ। क्या ये पॉसिबल है कि इतना सिंपल हो जाए सब कुछ? ठीक है, बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स होती है, क्लियर सबको? एटीपी इज यूटिलाइज एज वेन नीडेड। एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन्स। अब ज़रूरी नहीं है ना जो एंजाइम हमको चाहिए तब वो अवेलेबल हो, ठीक है, अवेलेबल नहीं भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। येट इट इज़ यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज टू अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड एफिकेट। अब देखो ये सब बोलोगे फिर हमने इतना सब पढ़ा ही क्यों? हमने ये सब इसलिए पढ़ा कि हमको एक नॉलेज होनी चाहिए कि बॉडी में हो कैसे रहा है। अब जैसा हमने पढ़ा है ज़रूरी नहीं वैसा ही सब कुछ लाइन बाय लाइन होता रहे, नो, ओके। हैंस देयर कैन बी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला, देयर कैन बी अ नेट गेन ऑफ 38 मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन। देखा, जब एक ग्लूकोज रेस्पायर होगा तो हमको कितनी एटीपी मिलेगी? 38। बट ये हमने यहाँ पे मे भी लगा दिया, ठीक है, क्यों मे भी लगाया तो हमने अभी समझा कि ये ज़रूरी नहीं है प्रैक्टिकली सब कुछ हो, क्लियर। लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब फर्मेंटेशन में क्या था याद करो, जिन ऑर्गेनिज्म में लेस O2 है वो किस में जाएंगे? फर्मेंटेशन में। और जो फुल ऑफ ऑक्सीजन है वो किस में जाएंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन में। याद आ गया सबको, हमने पढ़ रखा है ये चैप्टर में ही। फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब फर्मेंटेशन में क्या होता है? सिर्फ पार्शियल ब्रेकडाउन, देख लिया था हमने कि सिर्फ पार्शियल ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, ठीक है। जहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। याद आया सबको, ये हमने देख लिया, क्लियर। इट इज़ कम्प्लीट इंटीग्रेटेड टू CO2 एंड H2O। हमने देखा था ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके कैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और उसमें क्या रिलीज होगी? ATP, ठीक है। ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है। इन फर्मेंटेशन देयर इज नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। हमने देखा था फर्मेंटेशन में ज़्यादा एनर्जी हमको नहीं मिलती, कितनी मिलती है? सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स, क्लियर। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पाइरूविक एसिड। हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस के एंड में क्या बनता है? पाइरूविक एसिड। वेयर इज मैनी मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर जनरेट इट अंडर एरोबिक कंडीशंस। हमने देखा था, कंपेयर करेंगे हम फर्मेंटेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन से, तो ज़्यादा किस में बनेगी? एरोबिक रेस्पिरेशन में बनेगी, सबको ये तो क्लियर है। NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD रेदर स्लोली इन फर्मेंटेशन। हाउएवर द रिएक्शन इज वेरी वीग्रियस इन केस ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी हमने देखा था कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है, वो क्या है? एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक से आपको क्या याद आता है, वर्ड से क्या याद आता है? कि दोनों जगह, जैसे हमने देखा था ऑर्गेनिज्म के जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबॉलिक। याद आया सबको? तो यहाँ पे एम्फीबॉलिक का मतलब क्या है? चलो ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ कौन सा पाथवे को हम एम्फीबॉलिक पाथवे बोल रहे हैं। ऑफकोर्स यहाँ बात किसकी हो रही है? रेस्पायरेशन की हो रही है। चैप्टर किस पे है? रेस्पायरेशन पे है, क्लियर। ग्लूकोज इज फेवर सबस्ट्रेट फॉर रेस्पायरेशन। अब हमने देखा था सबसे ज़्यादा रेस्पायरेशन किसका होता है? ग्लूकोज का। तो क्या इसका मतलब ये है फैट और प्रोटीन का, इन सब का नहीं होगा? नहीं, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया का रेस्पायरेशन ये क्या है? अल्टरनेटिव सब्सट्रेट है। कौन से? फैट प्रोटीन्स, क्लियर है सबको। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। सबसे पहले सारे कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में। जिससे पहले जो रेस्पिरेशन में वो जाएंगे ना, उससे पहले सारे कार्ब्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्लूकोज में, क्लियर है सबको इतना? बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। अदर सब्सट्रेट्स कैन बी रेस्पायर्ड एज हैज़ बीन मेंशन्ड अर्लियर। हमने देखा था जो और अल्टरनेटिव सब्सट्रेट है वो भी रेस्पायर हो सकते, बट देन दे डू नॉट एंटर द रेस्पायरेटरी पाथवे एट द फर्स्ट टाइम। बट उसको हम अल्टरनेटिव क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज उनका फर्स्ट काम नहीं है ये, ठीक है, उनका
फर्स्ट स्टेप का ये काम नहीं कि डायरेक्ट ये एनर्जी बनाने में काम आएंगे, नहीं, ठीक है, उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, अभी हम फिगर में देखने वाले 12.6 में भी डिटेल में देखना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो फैट्स होते हैं ना, फैट वुड्स नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू क्रिस्टोल एंड फैटी एसिड फर्स्ट। अब जो फैट्स होंगे वो डायरेक्टली यूज नहीं होंगे, पहले क्या होगा वो क्रिस्टोल और फैटी एसिड में ब्रोक डाउन होंगे। ठीक है, फिर फैटी एसिड, इफ़ फैटी एसिड वर टू बी रेस्पायर्ड दे वुड फर्स्ट टू बी डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोए। ठीक है, फिर फैटी एसिड क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में डिग्रेड हो जाएगा, एसिटाइल कोए में, देन वो क्रैब साइकिल में एंटर करेगा। क्लियर, फैटी एसिड का सबको क्लियर, फैट्स का सबको क्लियर। ठीक है, फैटी एसिड तक क्लियर हो गया, अब हम ग्लिसरॉल का देखेंगे। ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू PGAL। अब आपको PGAL का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ठीक है, हमने डिटेल में पढ़ा है, अब आपको ये याद होना चाहिए ग्लाइकोलिसिस के सारे टर्म्स। ठीक है, द प्रोटीन्स वुड बी डिग्रेडेड बाय प्रोटीएसिस एंड द इंडिविजुअल अमाइनो एसिड। अब हमने फैट का तो देख लिया, फैट में पहले क्या हुआ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फिर प्रोटीन का देख रहे, तो प्रोटीन किस में होगा, प्रोटीएज एंड अमाइनो एसिड्स डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर वुड एंटर द पाथवे एट सम स्टेज विद इन द क्रैब्स साइकिल। ठीक है, अब देखो हम पहले डायग्राम पे जाते हैं, आप समझ जाओगे फिर। ठीक है, तीनों का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का। ठीक है, कार्ब्स का तो हमने पूरा चैप्टर ही पढ़ा हुआ है कि कार्ब्स कैसे पहले सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, ये पूरे ग्लाइकोलिसिस के स्टेप है, याद करो, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट। ठीक है, फिर लास्ट में क्या बनता है, पाइरूविक एसिड। अब पहले हमने यहाँ पे किसकी बात की, फैट्स की। ठीक है, फैट्स किस में पहले कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्रोक डाउन हो जाएंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो फैटी एसिड पहले एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा, देन वो एंटर करेगा क्रैब साइकिल में। क्लियर, अब ग्लिसरॉल का क्या होगा, ग्लिसरॉल पहले हमने देखा था क्या, PGAL, देन वो पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होगा, देन वो एसिटाइल कोए। क्लियर है सबको इतना, फैट का क्लियर, प्रोटीन्स का देखेंगे, प्रोटीन्स हमने देखा अमाइनो एसिड, देन कोई भी स्टेप में आके सम स्टेज पे एंटर हो जाएगा वो क्रैब साइकिल में। ठीक है, ये हमने बात की प्रोटीन्स और फैट की। क्लियर, अब हम समझेंगे ये एम्फोपोलिक पाथवे हम इसको क्यों बोल रहे हैं। सिंस रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, अब हमने देखा कि फैटी पहले फैट किस में, फैटी एसिड और क्रिस्टोल में ब्रोक डाउन हो रहे हैं। ठीक है, हमने देखा ये सब क्या है, ब्रोक डाउन, तो ब्रोक डाउन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, सबको याद है, और सिंथेसिस को, दो चीज़ें मिलके कुछ बना रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म, सबको क्लियर है इतना। ठीक है, सिंस रेस्पायरेशन इन्वॉल्व ब्रेक डाउन, रेस्पायरेशन के अंदर इतना सारा ब्रेक डाउन हो रहा है, द रेस्पायरेशन रेस्पायरेटरी प्रोसेस हैज़ ट्रेडिशनली बीन कंसिडर अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, इसलिए हमने क्या बोला उसको, कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्यों, बिकॉज वहाँ पे बहुत जगहों पे ब्रेक डाउन हो रहा है। क्लियर, ठीक है, एंड द रेस्पायरेटरी पाथवे एज अ कैटाबॉलिक पाथवे, पर हम हमेशा से ये सोच रहे हैं कि कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, क्या ये सही है अंडरस्टैंडिंग हमारी, चलो देखते हैं। वी हैव डिस्कवर्ड अबो एट विच पॉइंट्स इन द रेस्पायरेटरी पाथवे डिफरेंट सब्जेक्ट वुड एंटर इफ दे वर टू बी रेस्पायर्ड, हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे उनको जब रेस्पायरेशन में एंटर होना होता है वो कैसे ब्रेक डाउन होके एंटर होंगे। ठीक है, ठीक है, किस लिए देखेंगे हम, हमको लास्ट में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, What is important to recognize is that it is this very compounds that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of said substrate. अब देखो कभी कभी ऐसा होगा फैटी एसिड एंटर होना जा रहा होगा क्रैब साइकिल में, यानी एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होकर कहाँ एंटर होना होगा, क्रैब साइकिल में। अब कभी कभी उसका दूसरा यूज चाहिए होगा तो वो कभी कभी विड्रॉ भी हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा तो वो ग्लिसरॉल के साथ जाके बना के क्या बना देगा, फैट बना देगा। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, एनाबॉलिक, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिला के फिर से फैट बना रहे, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, कैसा हो गया, तो एनाबॉलिक। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको एम्फीबॉलिक पाथवे बोल रहे हैं, जिससे इसमें कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। ठीक है, एनाबॉलिज्म भी, अब समझ आया क्यों बोल रहे हैं हम। ठीक है, चलो रीड करते हैं।
What is important to recognize is that it is these very compounds that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substrate. ठीक है, सबको पता है फैटी एसिड किस में डिग्रेड हो जाएगा, एसिटाइल कोए में, फिर वो किस में आगे बढ़ेगा, क्रैब साइकिल में. क्लियर है सबको? बट व्हेन द ऑर्गेनिज्म नीड्स टू सिंथेसाइज, जब ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड सिंथेसाइज करना है तो क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोए विड्रॉ हो जाएगा, वो जो क्रैब साइकिल से वो खींचा फिर से आ जाएगा वापस. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, विड्रॉ फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे. Hence the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acid. अब देखो respiratory में क्या हो रहा है, देख लिया हमने, breakdown तो हो ही रहा है fats का fatty acid में, glycerol में. अब जब withdraw होगा फिर से उसको fatty acid में convert होगा, ठीक है, तब synthesize भी हो रहा है. इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे breakdown भी होता है respiration में और synthesis, ठीक है, दोनों होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, amphibolic पाथवे. क्लियर है सबको इतना? ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबॉलिज्म. ठीक है, ब्रेक डाउन को हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म, और सिंथेसिस को हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म. क्लियर? बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, दोनों में इन्वॉल्व है, एनाबॉलिज्म में भी कैटाबॉलिज्म में भी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एम्फीबॉलिक पाथवे. तो यहाँ पे ही पूरा आपका चैप्टर फिनिश हुआ. आई होप आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, एम्फीबॉलिक हमने क्यों बोला वो समझ गए होंगे. ऑफकोर्स अभी आपको चैप्टर का बेसिक तो सबको आ गया होगा, ठीक है, आपको ETS भी अभी आ गया होगा, हमने कैसे, हमने डिटेल में 5 कॉम्प्लेक्स पढ़े थे, ठीक है, सबको याद है कैसे प्रोटोन ग्रेडियंट बनाया था. ठीक है, किसी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. फिर से आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगी. किसी किसी में ऐसा हो सकता है कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं आई हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो. नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो भी बता सकते हो, और कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करो, देख के तो मुझे पता चले कि आप वीडियोज़ देख रहे हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.